अलूम सम सब मखलूक़ात को थामने वाला नज़ल आलकल किताबिलह नाजिल किया है उसने ये किताब सच है ये मुसदा बने तस्दीक करती है जो किताबें से पहले नाजिल हुई हैं वह अनजल तौरा तबलजील और वो उसने नाजिल किया है तोरात और इंजील को बिलक़बलो इससे पहले हुदल लिन्ना से हिदायत थी उसमें लोगों के लिए व अनजल फ़ुर्क़ान और अब ये यानी क़ुरान और फ़ुर् नाजिल किया है इन लजीन कफ़रूब आयातल है बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह ताला के अहकाम से लहुम आज़ाबन उन शशीद उनके लिए शदीद आज़ाब है वल्ला अजीज़ उनतकाम अल्लाह तालिब है इतकाम लेने वाला है इनक़नफिल अर्द वालाफ सम अल्लाव ज़ात है जिस पर मख्ी नहीं है कोई भी चीज़ ज़मीन में या आसमान में वजह उसविरकुनफिल आरहमक ऐशा अलाव है जो तुम्हारी सूरत गरी करता है रहम में जिस तरह वो चाहता है लाला ला आज़ीज़ुल ला हकीम कोई मबूद नहीं है माँ सेवा उसके वो गालिब है और दाना है स्वामी निकराम गजश्तः दर्स भी यही था और बात अधूरी रह गई थी अगर किसी ने वो दर्स नहीं सुना है तो वो भी सुन लें तो ये आज का दर्स उसी का एक हिस्सा है इसके मुतालिक तमहीदी और जो तारुफी मजामीन थे कल मैंने बयान कर दिए थे अल्लाह ला इला इला पे बात हो रही है कि अल्लाह वज़ा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं सामिकर इस पर बात हो रही है और इलाह का मतलब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इलाह का मतलब है माबूद माबूद वो हस्ती जिसकी की बिलाचून व चरा इताद की जाए जिसका कहना माना जाए इलाह वो हस्ती जो आपका महबूब हो वो हस्ती जो आपकी मकसूद हो वो आपका अला है हज़रत अली रदी अल्लाह का मकूल है कि मकसूद का महबूद का कि आपका मकसद ही आपका माबूद है इसमें कोई ज़्यादा तफसीली मजामीन की ज़रूरत नहीं है और इसका मतलब बिल्कुल वाज़ है कि आप का जो ज़िंदगी गुजारने का मकसद है आप उसी का ख्याल रखेंगे उसी के बारे में सोचेंगे उसी के बारे में उसके हासिल होने पर खुश होंगे उसके चले जाने पर नाराज़ होंगे खफा होंगे स्वामी निकराम जिस माशरे में हम और आप रह रहे हैं उस उनमें अक्सरियत का आ, मकसूद जो है ज़ाहिर दुनिया है दुनिया आती है ख़ुश होते हैं जाती है खफा होते हैं नहीं होती तो खफा होते हैं बैंक बैलेंस भरे होते हैं तो खुश होते हैं दिल मतम होता है जमा रहता है अल्लाह इसी का हम ख्याल रखते हैं इसी के बारे में महतात हैं, नफ़ा नुसान इसके बारे में हम बड़े महतात रहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये नोट कर लेनी चाहिए और ये अपना एहतसाब भी करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया दुनिया को मकसूद बना के नादानस्तगी में दुनिया के आ, दुनिया की आ, इबादत में मसरूफ़ हो यानी दुनिया और माफिया चूँकि जिसका मकसूद होता है तो वो उसी का ख्याल रखता है और ये कोई इतनी यानी साबित करने वाली बात नहीं है बिल्कुल आसान बात है कि दुनिया जिनका मकसूद है वो उसी का ख़्याल रखते हैं अल्लाह ताला का ख्याल नहीं रखते आप देखें हम और आप जिस माशरे में रह रहे हैं ये लोग जो हैं इनमें अक्सरियत जो है दुनिया का ख़्याल रखती है दुनिया के रख रखाव का ख्याल लगती है अपनी पोजी ज़ाहरी पोजीशन का हम ख्याल लगते हैं अपने कारोबार का अपनी नौकरी का अपने बीवी बच्चे शौहर माँ बाप रिश्तेदार इनका हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं इन्हीं के बारे में महतात हैं इसी के बारे में हिसास हैं बाज़ वाले देन आप देखें औलाद के बारे में कितने हिसास होते हैं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए माँ बच्चे की तबीयत यानी माथा अगर तपने लगे तो माँ परेशान परिश, हो जाती है होना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर और फिर उसका इलाज अच्छी सी दवाइयाँ फिर मिसाल के तौर पे बच्चा है तो फिर उसकी स्कूलिंग की फ़िक्र यानी सारी फ़िक्र जो है वो ज़ाहिर की है ऐसी आप देखें औरतें जो हैं बाज़ जो लड़कियां हैं वो अपने शौहरों का ख्याल रखती हैं रखना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रखना चाहिए लेकिन उसकी अपनी हदूद कूद हैं कहने का मतलब यह है कि हम दुनिया ही के होके रह गए हैं और कुछ हमें सोच ही नहीं रहा अल्लाह ताला को भूल गए अल्लाह के दीन को भूल गए अल्लाह के कुरान को भूल गए अल्लाह के रसूल को भूल गए तो इन हालात में कामयाबी सामान्य कराम ज़रा मुश्किल होती है बहुत से लोग इसको आसान लेते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं है दुनिया के दुनिया में आकर दुनिया में यानी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना इसके लिए मेहनत करनी होती है इसके लिए एक मकसूद बनाना होता है इसके बारे में सोचना होता है और तदब्बर करना होता है तफक्कुर करना होता है अल्लाह कहता है कि ये कुरान मैंने नाजिल किया है ताकि तुम सोचो इन्ना इना अनना क़ुरानब लकुम ताक़िल मैंने कुरान क़ुरानरबी ज़बान में नाजिल किया है ताकि तुम सोचो इसको तो अफ़सोस की बात यह है कि हम लोग इस बारे में जिस बारे में सोचना चाहिए उस बारे में नहीं सोचते हाँ जिस घर से चले जाना है उस घर को उस घर को हम दिल दे बैठे हैं उसी के बारे में सोचते हैं सारी सोच और फ़िक्रें जो हैं क़राम हमारी सारी सोच और फ़िक्रें जाहिर के लिए हैं जिस घर जाने वाले हैं जिस दायमी घर हम जाने वाले हैं उसके बारे में हम उसको हम भूल चुके हैं उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है अगर कुछ कोई शख्स कुछ कर रहा है स्वामी न तो वो इस वजह से कर रहा है कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ है नमाज़ें पढ़ रहा है तो ये आदत उसको माँ बाप ने डाली है ये आदत माशरे की भी है कि माशर जो है कुछ अजान होती है तो मस्जिदों में जमा हो जाता है अगर वो रोज़े रख रहा है तो ये एक रिवायत है रोज़े कुछ ख़ास नीयत से कोई नहीं रखता बस रमज़ान आता है तो रोज़े बस पकौड़े और इफ्तारियाँ और समोसे बनना शुरू हो जाती हैं फिर शहरीों के मेन्यू बनते हैं ओ, तो हज भी लोग करते हैं कि भाई लोग हज कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं जकवात देते हैं तो हम भी अपनी मर्जी से जकवात दे देते हैं दीन को दीन में हमने सोच और फिक्र छोड़ दी है ऐसा अभी सच्ची बात यह है क्योंकि इस जिस माशरे में आप रह रहे हैं उस माशरे में आ, मैं भी रह रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या हो रहा है तो लोगों ने दीन के मुतालिक अल्लाह के मुतालिक अपनी हकीकत के मुतालिक सोचना छोड़ दिया है ज़ाहिर पर ये लोग ईमान ले आए हैं ये सूरत हाल इनत ख़तरनाक है और इसके नतज जो हैं अच्छे नहीं हैं तो लाला की मैं सामी कराम कल भी हमने ला ला की बात की थी ला लाह पे अल्लाह सवाल ये है कि ला ला पर अल्लाह ताला इतना ज़ोर क्यों दे रहा है हमारे दीन का बुनियादी नुक़ँ जो है वह कलम तोहहीद है कल तोहद ला लाला ये कलम तोहहीद जो है ये हमारे दीन की बुनियाद है मान बिल्ला और उस तलीम पर ईमान ऊलू ऊलू आमन ना बिल्ल वमा अनुं आप उनसे कह दीजिए सुर आल इमरान में आ गया आएगा कि आप कह दीजिए कि हमारा अल्लाह पर ईमान है कि अल्लाह ही हमारा मकसूद है अल्लाह ही हमारा मतलूब है महबूब है हाँ। और वमा अन जिला जो तालीम हम पर नाजिल की की गई है हमारे लिए नाजिल की गई है उस पर भी हमारा ईमान है सामी निक्राम मैं उस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं ला इलाह के बारे में सोचना होगा हमें और आपको ला इलाह के बारे में सोचना होगा दीन इस्लाम के बारे में सोचना होगा तोहिद के बारे में सोचना होगा इस्लाम के बारे में आ... सोचना होगा और मुसलमान होने के नाते भी हमें सोचना होगा अल्लाह की बंदगी अल्लाह की दाद ये क्यों जरूरी है अल्लाह ताला इलाहे अल्लाह ताला को इलाह वाहिद मानने का क्या मतलब है अल्लाह की बंदगी का मतलब क्या है आप देखें सूर बकरा जब शुरू होती है तो उसमें पहला जो हुक्म आता है तो वो क्या होता है वो आता है अल्लाह ताला की बंदगी का या अन्ना सब रब उजी उल्थी खलकुम व्ल नमिन ख़बिल तक एलोगो अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लो रब अपने रब की बंदगी इख्तियार कर लो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे ताकि तुम बच जाओ बुरे अंजाम से नाकामी से बच जाओ लालकुम लाकुन तो पहला जो हुक्म है कुरान का वो ये है कि बंदगी रब और ये बहुत इंतहाई बुनियादी बात है साम्य निकराम वाहबदल्हला तुश्रिको भी ही शया अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो और उसके साथ किसी को भी शरीक ना करो वला तुशरिकु बिही शे ये अल्फाज आते हैं कुरान मजीद में अदीस में भी आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप गौर फिक्र ज़रूर कीजिए वबुदल वला तुशरिकु बिही श आ किसी चीज़ को उसकी बंदगी में शरीक ना करो क्या मतलब इसकी इताअत में और उसकी मोहब्बत में और उसकी मकसद में किसी को उसके साथ उसका हम पल्ला न ठहराओ वही मकसूद है वही महबूब है वही महबूद है वह वा अब वाला तुश्री को भी ही शया अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो स्वामी करम इंसान का मकसद वहीद क्या है एक ही मकसद है कि ये अल्लाह के रास्ते पर चल कर अल्लाह तक पहुँच जाए अल्लाह का क़ुरब हासिल कर ले लेर्ब हासिल करके उसकी मारिफत उसको पहचान ले उसका उसके करीब हो जाए ये समय कराम अल्फाज तो मैं कह रहा हूँ लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह 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 ताला के करीब हो जाना ओहो हो या उसका दीदार बहुत बड़ी चीज़ है बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार खूबसूरत चीज़ों को तो हम देखते हैं देखना चाहते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तो जाहिर पर हमारा यकीन है तो जाहिरी हसन के बारे में आप देखें अखबार देखें रसायल देखें नट देखें उसमें आ जाता है खूबसूरत शक्लों की बात होती है खूबसूरत औरतों की बात होती है खूबसूरत चेहरों की बात होती है खूबसूरत जगहों की बात होती है खूबसूरत पत्थरों की बात होती है खूबसूरत मोतियों की बात होती है खूबसूरत आबशारों की बात होती है और खूबसूरत बागात की महल्ला की और ये सारी चीज़ खूबसूरतियाँ हमें खूबसूरत परिंदे हमें कितना बड़ा परिंदा खूबसूरत है कितना अच्छा फल है कितनी खूबसूरत सब्ज़ी है कितना खूबसूरत रंग है ये सारी खूबसूरतियाँ हम देखना चाहते हैं और देख रहे हैं और उससे मुतािर हैं शामी निकरा खूबसूरती से हम मुता होते हैं और ये ठीक बात है लेकिन खूबसूरती तो एक और भी है सामि इकर होसन का खालिक जो है इस तमाम कायनात की हसीन तरीन चीज़ों के हसन का खालिक ख़ुद कितना हसीन होगा सामि निकराम इसके बारे में बात नहीं की जा सकती उसके हसन के बारे में बात नहीं की जा सकती उसके दीदार के बारे में बात नहीं की जा सकती लेकिन इतना ज़रूर है कि वो हसीन है अल्लाह जमील अल्लाह खूबसूरत है अब यह है कि कैसे लेकिन इसकी हकीक़त से यहाँ हम आशना नहीं हो सकते हजरत मूसम ने तमन्ना की थी रब अरिनी इलैक रब मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देख लू बातें तो होती थी ना बातें होती थी मुसा कलीमुल्ला एक दिन ख्वाहिश आई टूर पे बातें हो गई फिर कहा कि रब अरे नहीं अंज़ अंज़ुर अनजुर अन्ज। जवाब क्या आया लंद्रोनी तुम मुझे नहीं देख सकते लंतरानी यानी मेरी खूबसूरती की तुम ताब नहीं ला सकते लेकिन चलो तुम मेरे महबूब हो मेरे पैगंबर हो मैं तुम्हारी तसल्ली किए देता हूँ ये तुम्हारे सामने जो पहाड़ है बहुत बड़ा पहाड़ है मैं इस पर अपने नूर की एक तजली का अक्स डालता हूं तो फिन तक्र मकान हो अगर वो पहाड़ उस तजल्ली की ताब ला गया और अपनी जगह खड़ा रहा फसो फतरानी तो तुम भी मुझे देख लोगे मूसा फलमा तजल्ला और अबूल जबल जालू दमूसा सा जब तजल्ली अपनी एक नूर की एक तजल्ली अल्लाह ने पहाड़ पर डाली जाल दक्का पहाड़ रेजा रेजा हो गया और उसके असर से मूसा सलाम इधर बेहोश हो गए हाँ। तो रब का दीदार बहुत बड़ी चीज़ ऐसा में निकला हम तो ये छोटी छोटी खिलौने देख के बहलाया गया हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे छोटी छोटी खूबसूरतियों पे हम दिल दे बैठते हैं और लेकिन नहीं सोचना चाहिए अल्लाह ताला ने तो अक्ल भी दी है उस खूबसूरती को क्यों ना देखें जो ख़ूबसूरती की खालिक है उस हसन का को देखने के लिए तैयारी क्यों ना करें बात यह है कि ये तैयारी के लिए ही हम आए हैं उस खूबसूरती को देखने की तैयारी के लिए ही हमें जिसम दिया गया है कि जाओ तुम जिसम में जाओ इसमें मेहनत करो मैं तुम्हें तरीकेकार बताऊंगा तुम उस तरीक़े पर उस रास्ते पर चलोगे तो तुम में तुम्हारी रूहानी ताकत पैदा हो जाएगी ताकत पैदा हो जाएगी और फिर इतना होगा कि तुम मुझे देख सकोगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हशर का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन ऐसे योम क़ियामत पे लाखों सलाम हाँ सहाबा कर राम बैठे हुए थे हजूर अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे, थे। सहाबा कर राम ने पूछा कि हजूर हम यारसोल्ला हम अपने रब को देख सकेंगे क़ियामत के दिन चौदहवीं का चाँद निकला हुआ था हुजूर ने चांद की तरफ इशारा करके साहबा से पूछा कि देखो आज जो चौदहवीं का चाँद है तुम इसको देखने में कुछ तकलीफ़ हो रही है तुम्हें देख सक रहे उन्होंने कहा हुजूर, हम देख रहे हैं उन्होंने कहा इसी तरह तुम अपने रब का दीदार करोगे रोजे हशर क़यामत के दिन अल्लाह इला ना जरा वजू कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे अपने रब की तरफ देख रहे होंगे अल्लाह अकबर तो स्वामी निकराम नेमतें बहुत सी पड़ी हुई हैं और उसका भी आप इदराक कीजिए दुनिया की खूबसूरतियों पर तो बाज़ दिल बाज लोगों ने दिल दे दिया है बाज को बाज को औरतों के चेहरे अच्छे लगते हैं बाज को लड़कों के चेहरे अच्छे लगते हैं ऐसा नहीं है खूबसूरती हमारा इंतज़ार कर रही है ला आशी ए हबीब ऐसे लोगों को अपनी महफिल से ना अलग कीजिए जो सुबह शाम रब को पुकारते रहते हैं यद रू न रब बिल गे बलाशी चाहते क्या हैं ज़ात के तालिब हैं, मुखड़े के तालिब हैं, यूरी दू नज तो आस में आस लगाए बैठे हैं कई बदिया रब के मुलाकात शुअ हमारे शेख में मौलाना रूम का शेर सुनाते थे कई या रब के मुलाकाते शुवत कब होगी यह रब के मुलाकात हो जाएगी रूह सुए अहदियत रबत और मेरी रूह अहदियत की तरफ चली जाएगी क्या हसीन मौका होगा मुलाकात हो जाएगी लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो यहाँ भी अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाती है लेकिन ये थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी मेहनत और फिर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत और ये भी शेर हमें शेख सुनाए करते थे नूर तजल्ला में रसद ए तूर दिल सतपारो ए बिश्कन कफस जी खाक ना आवार रशो नूर तजल्ला मी रसद नूर तजल्ला आ गया ए तूर दिल ए दिल के कोहे तूर सद पार टुकड़े टुकड़े हो जा ए रूह बिशकन कफस ए रूह इस पिंजरे को फाड़ दे जी हाकदा आवार शो उस तरफ चली जा बहर ये मुकामात आते हैं ये कोई इसमें इतनी मुश्किल भी नहीं है असल में तो हम दुनिया ही की तालिब होके रह गए हैं और दीगर तरफ से हमारी तोज्जो और नज़र हट गई है आ, तो बहुत सी नबतें हैं जो मोमिनों का और मुत्तकियों का इंतज़ार कर रही हैं ठीक है, है ना? तो बात में कर रहा था ला अला की मैं बात कर रहा था सामी कि अल्लाह ला इल्लाहु ये चीज़ जो है ये अगर हम आ, सीख लें या ला इलाह को जान लें कि ला इलाह क्या है और क्या इस पर किस तरीके से अमल होता है तो पहले तो इस सिलसिले में इलाह के आप को मैंने माने बता दिए कि वो हस्ती जिसकी आप बिलाचून व चरा इत करें ख्वा वो जो भी हो खा वो आपका नफ्स है ख्वा वो माल वो माशरा है बीवी है शोहर है औलाद है आ, दोस्त यार दोस्त हैं जो भी एक्स वाई जेड जिसकी भी आपने कहना मान लिया बिला चून उचरा अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में इतना मैं लगा दूँ साथ ताकि आपको समझ में नहीं थोड़ी क्योंकि वालदेन की भी हम इताअत करते हैं बीवी के बीवी शोहर का कहना मानती है शोहर बीवी का कहना मानता है तो जो उमूर अल्लाह ताला की रजा के ख़िलाफ़ नहीं है तो उसमें तो इतात एक दूसरे की की जा सकती है बीवी कहती है न शोहर से कि नमाज पढ़ लो शोहर बीवी से कहता है कि तुम मेरे लिए आज बेहतरीन खाना बनाओ इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर बीवी उसका कहना मान ले या मिसाल के तौर पे यानी वो हुक्म जो आपने मान लिया किसी का भी जो हुक्म मान लिया वाह वाह आपका नफ्स है या जो जो भी है लेकिन अल्लाह ताला की रजा को मालूम किए बग़ैर या उसके ख़िलाफ़ आपने उसका कहना मान लिया वो आपका आला बन गया अगर अगरचे बातिल है लेकिन है आपका अला और आप उसकी इबादत में मसरूफ़ हो गए उस वक्त तो अगर ये गैर अल्लाह की इबादत ज़्यादा हो गई इताद ज़्यादा हो गई तो फिर इसके नतज जो हैं सामिकर अच्छे नहीं होते दूसरी बात यह है कि ये तो शिरक है क्योंकि इन इक्म अ ये एक बात एक असूल याद रखें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अला लहल़ वम्र मखलूक तख्ीक़ उसी की है तो हुक्म भी उसी का चलेगा लहुल अक़ तखलीक उसकी है मखलूक़ उसकी है तो हुक्म भी उसके कायनात में सारी जगह अल्लाह ताला का हुक्म चल रहा है ठीक है अब इंसान की कामयाबी इसमें है कि ये अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर झुका दे अल्लाह का भी एक क़ानून है इंसान के बारे में इंसान की ज़िंदगी के बारे में ये नहीं कि इसको अल्लाह ताला ने पैदा करके शतर बेमुहार की तरह छोड़ दिया है ऐसा नहीं है साम्य निकराम हम तो आज ये समझते हैं उसकी अपनी वजूहत हैं उसकी वजूहत ये हैं कि हम एक तो हम सोच नहीं रहे अपने बारे में अपनी हकीकत के बारे में कि हम हैं कौन अपने खालिक के बारे में नहीं सोच रहे कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहे कि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमें दी क्यों है हमसे क्या चाहता है ये सारी बातें हम नहीं सोच रहे फिर जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो शतर बेमुहार की तरह है एक ऐसा ऊंट जिसकी रस्सी दरास कर दी जाए छोड़ दी जाए तो वो तो फिर यानी सामी निक्रम ऐसा ऐसा जानवर किस काम का यानी एक, एक जानवर है वो आपके काम का है मिसाल के तौर पर घोड़ा है गधा है ऊँट है कोई भी जानवर है उसको तो आप काबू में करके सुधा के फ़ायदा आप ले सकते हैं लेकिन अगर वो आप ज़्यादा एंडने लगे बस वक्त होता है एंड दिखा दे तो फिर आप उसकी रस्सी छोड़ देते हैं कि जाओ भाई मेरे तो तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है तो स्वामी निकराम हम और आप जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ लोग ये समझते हैं कि हमारा ना कोई मालिक है ना कोई आका है और ना हमें किसी पाबंदी की कोई ज़रूरत है तो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो शतर बे मुहार एक अच्छा मुहावरा है यानी ऐस श्र कहते हैं ऊँट को शतर बेमुहार यानी उसकी कोई मुहार ही नहीं है मुहार यानी हर जानवर की फिर मुहार होती है आप गधे को नकील डाल देते हैं ऊँट को नकील डाल देते हैं घोड़े को डाल देते हैं गाय को डाल देते हैं फिर आप उससे काम लेते हैं लेकिन एक ऐसा जानवर जिसकी कोई नकील ही ना हो जिसकी कोई मुहार ही ना हो तो वो तो फिर किसी काम का नहीं है इंसान अल्लाह ताला फरमाता है कि खलक्तुल जिन्न वल उनस इल्ला बदून मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया है कि इस ये अल्लाह की बंदगी करे यानी अपने अपने आप को आज़ाद न समझें बल्कि मेरी बंदगी करें और मेरी मेरे सामने सर झुका दें ताकि ये अपने मकसद को पा जाएं। इबादत बजाते ख़ुद कोई मकसद नहीं है सामने निगराम बल्कि ये उस मकसद को हासिल करने का तरीक़ा है बहुत से यानी वो एक नासमझी वाली बात है और यानी बहुत सी अलाहत जो हैं सामि निकराम उसके बारे में हम यानी बस रटी रटाई बातें कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है फिर इस पर सोचते नहीं हैं इबादत मकसूद नहीं है बल्कि मकसूद को हासिल करने का ज़रिया है ये नोट कर लें इस आयत का तर्जुमा यह है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है यानी उसकी कामयाबी इसमें है कि वो मेरी बंदगी करे मेरे सामने सर झुका दे मेरी इबादत करे इतात करे मेरी ताकि वो अपने मकसूद में कामयाब हो जाए मेरे रास्ते पर चलकर मुझ तक पहुंच जाए मेरा दीदार कर ले मेरा कुर्ब हासिल कर ले ये मकसूद है इबादत का मकसूद होता है आप खाना खाते हैं तो खाना बजाते खुद कोई मकसूद तो नहीं है खाने से आप कुत हासिल करते हैं पानी पीते हैं पानी पीना बजाते खुद कोई मकसूद नहीं है बल्कि उसके जरिए आपकी प्यास बुझती है इबादत बजाते खुद मकसूद नहीं है स्वामी निकराम ये हमारी थोड़ी सी नासमझी है ये उस मकसूद को हासिल करने का जरिया है अल्लाह ताला की आप बंदगी करेंगे उसकी इताद करेंगे और आप फिर जन्नत में पहुंच जाएंगे जहां आपका मकसूद और मतलूब है और महबूब है इनमत जन्नतरफ़ी मक़ादली के मुकदर बेशक मुत्तकी लोग जो हैं वो जन्नत बागात में होंगे नहरों में नहरों नहरों वाले बागात में होंगे और इज़्ज़त और एहतराम की बैठने वाली जगह आंद मक सि सच्ची जगह लेकिन है वो कहाँ आइंद मली के मुखदर उस मुक्तदिर बादशाह के दरबार में होंगे आपको मैंने बताया कि जन्नत का क्या मतलब है जन्नत अल्लाह ताला के कुर्ब का दूसरा नाम है जो इबादत करेगा उसको जन्नत हासिल होगी होगी तो इबादत बजाते खुद मकसूद नहीं है जन्नत में ना नमाज है ना रोज़ा है ना हज है ना जकवात है इबादत तो वहाँ ही नहीं तो मकसूद कैसे हो गया मकसूद तो रह गया नहीं बल्कि ये एक जरिया है इबादत एक जरिया है इसके बग़ैर आप वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो कि आपको अल्लाह ताला देना चाहता है तो लाला का मतलब पे हम बात कर रहे थे सामि इकर लाला ये तोहीद है तोहीद का मुतजाद जो है सामिकर ये शिरक है बंदगी वबदुल्ल वा वाला तुश्रकू ही शया अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ तो ये बात नोट कर लें कि तोहहीद अगर नहीं होगी तो फिर शिरक होगा शिरक नहीं होगा तो फिर तोहद होगी ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं सामने निकरा तोहीद है तो शिरक नहीं होगा और शिरक है तो तोहीद नहीं होगी ये बात नोट कर लें अच्छी तरह बाज़ लोग शिरक के माहौल में बढ़ रहे हैं पल रहे हैं शर्क में मुब्तिला हैं अल्लाह ताला तो मकसूद ही नहीं है अल्लाह तो महबूब ही नहीं है अल्लाह ताला तो माबूद ही नहीं है लेकिन समझते आप अपने आप को पक्का मुसलमान है हाँ खैरातें कर रहे हैं हज कर रहे हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह को माबूद समझ के नहीं अल्लाह को मकसूद समझ के नहीं अल्लाह को महबूब बना के नहीं बस कर रहे हैं माँ बाप मुसलमान थे ये भी मुसलमान कहला रहे हैं अपने आप को माँ बाप ने कलमा सिखा दिया था ये भी कलमा पढ़ रहे माँ बाप ने नमाज पढ़नी सिखा दी थी ये भी कर रहे हैं सोच नहीं रहे दीन पे अंधाधुंध चल रहे हैं हाँ तो बात यह है कि ये दीन नहीं है ये कोई दीन नहीं है सामिण कर मोमिन की ये सिफ़त है लम इज़ातअ आयातर्रह्म कि इन पर जब रहमान की आयात तलावत की जाती हैं तो इस पर ये अंधे बहरे हो के नहीं पढ़ते तो सामि इकर सारी बातें सोचने की हैं मैं कोशिश करता हूँ कि ये मजमून मुख्तर कर दूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है दीन के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि दीन इस्लाम है क्या इबादत क्यों आखिर क्यों इबादत अल्लाह की बंदगी क्यों दीन क्या है दीन एक तर्ज जिंदगी वो तर्ज जिंदगी जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पसंद किया है वदी तो इस्लाम दीना और मैं राजी हूँ कि दीन बहसीत इस्लाम बहसीत एक दीन के मैं तुम्हारे लिए राजी हूँ उस पर तो दीन क्या है दीन चंद इबादात का नाम नहीं है सामीय इिक्राम दीन मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका तमाम काम तोहद की बुनियाद पर हमारे शेख ने बड़े अच्छे अल्फ़ाज़ इसके बारे में इस्तेमाल किए हैं कि तोहहीद के ब... तो को बुनियाद बनाकर तोहद यानी अल्लाह को मकसूद बनाकर ज़िंदगी के तमाम काम उसकी रज़ा के लिए अंजाम देना या जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारना ये क्या है ये तोहद है ये क्या है ये दीन है तो दीन जो है एक तर्ज़ ज़िंदगी है दीन एक तर्ज़ ज़िंदगी का नाम है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है इस्लाम दीन तो दीन दीन इस्लाम जो है ये तर्ज़ ज़िंदगी है तमाम काम जो है ज़िंदगी के तमाम काम उसकी मैं अब तफ़ील में नहीं जाता तमाम काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक तमाम ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का नाम क्या है दीन है और दीन उस दीन का नाम क्या है दीन इस्लाम है वन ये अब तक इस्लामी दीना और जिसने तलाश किया जिसने तलाश किया दीन के दीन इस्लाम के मासेवा कोई और तर्ज़ हयात कोई और तर्ज ज़िंदगी फ़लें यक़बल अमिन हो उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा यानी दूसरा निज़ाम हयात दूसरा तरीक़िंदगी मन चाहिए ज़िंदगी अगर कोई गुजारना चाहता है तो गुजार ले, लेकिन अल्लाह ताला में कहता है कि मैं उससे कबूल नहीं करूँगा मैं अब तक गैर अस्लाम दीन फ़लें यक़बलमिन हो उससे मैं कबूल नहीं करूँगा वह हुआ फिल खासिरीन और अनजाम कार जो है ये नुकसान उठाने वालों में से होगा हाँ। तो ये सब इनका नाम अच्छी तरह दीन को समझ लेना चाहिए इलाह के मतलब को समझ लेना चाहिए कि इलाह का मतलब क्या है दीन का मतलब क्या है मुसलमान होने का मतलब क्या है मुसलमान होने का मतलब यह है कि आपने अल्लाह के सामने सर झुका दें इसक़ लब असलम फ़कुल ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, तरमाया असलिम। काल असलम खाल असलम तुल रब्बिलमी जब कहा इब्राहीम को उनके रब ने कि तुम सर झुका दो उसने ने, ने कहा कि असलम ले रब्बिल मैंने सर झुका दिया आलमीन के सामने सर को झुका देने वाला अपने सर को आलमीन के दीन के सामने झुका देने वाला कौन है मुसलमान होता है अगर कोई दीन इस्लाम के सामने अपना सर न झुकाए अल्लाह की रज़ा के सामने अपना सर न झुकाए कोई अपना ज़िंदगी इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारने पर राज़ी ना हो तो वो शख्स मुसलमान नहीं है अल्लाह की किताब में हाँ अल्लाह की किताब में वो मुसलमान नहीं है ठीक है वो दावा कर रहा है लेकिन अल्लाह ताला उसे दावत दे रहा है या यूह जीना आमनु आमिन बिल्ला ब रसूली है ही मान वालो सही मान लिया अल्लाह की अल्लाह पर और उसके रसूल पर तो ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि दीन इस्लाम जो है वो एक निज़ाम ज़िंदगी का नाम है एक तर्ज हयात है अगर कोई अल्लाह का तालिब है अल्लाह उसका मकसूद है मतलूब है महबूब है अब उसको सर झुकाना होगा अल्लाह के सामने और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारना होगा अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो तो कामयाब है अगर कोई ऐसा कह के कि मैं मुसलमान हूँ फिर उसका सर उठा रहता है हर काम अपनी मर्ज़ी से करता है जैसा कि आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ के अक्सरियत लोग मनचाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह के दीन को खातिर भी नहीं लाते आप देखें किसी दफ्तर में इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक काम नहीं हो रहा लोग मुती तकवा की सिफती नहीं है माशरे में तकवा गैर मुतकी यानी गैर हम एक गैर मुतकी माशरे में रह रहे हैं एहतियात है ही नहीं रिश्वतें ली जा रही हैं दी जा रही हैं हराम खाए जा रहे हैं हराम माल खाए जा रहे हैं लोगों पर जुल्म हो रहा है मिलावटें हो रही हैं कारोबार गलत तरीक़े से गलत अंदाज से हो रहे हैं नौकरियां जो हैं अपनी मर्ज़ी से यानी नौकरियों के हकूक़ नहीं अदा हो रहे शौहर बीवी के हकूक़ नहीं अदा कर रहा बीवी शौहर के हकूक़ नहीं अदा कर रही बच्चे वालदान का ख़्याल नहीं रख रहे वालदान बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे उसूलों के मुताबिक तो इस्लाम कहाँ पर है हम तो स्वामी निकराम एक गैर मुतकी माशरे में रह रहे हैं और ये भी अल्लाह की ये बात को याद रखें कि वाकबतुलमुत आकबत यानी अनजाम क़ार जो है उन लोगों का है जो कि मुतकी हैं लेकिन जो गैर मुतकी हैं तो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं हो सकता अल्लाह कहा है एक तो साफ हुक्म है कि उत फिसल में काफा दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ तो क्या आपका क्या ख्याल है कि आज हम दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं हम तो जिस माशरे में रह रहे हैं वो माशरा अल्लाह ताला से भाग रहा है अल्लाह से भाग रहा है अल्लाह यानी अल्लाह तला का ख्याल न बीवी रख रही है ना शौहर रख रहा है न बच्चे रख रहे हैं न दोस्त रख रहा है न यार रख रहा है न हुक्मरान रख रहे हैं न पुलिस रख रही है न डॉक्टर रख रहे हैं अल्लाह ताला का किसी को ख़्याल ही नहीं है मकुमल्ला तर्जुन अल्लाह वक़ारा वद ख़लकुम अतवारा वाल मकाम रब मकाम रब भी जन्नतान जो डरा अपने रब के सामने खड़े होने से उसके लिए दो जन्नतें हैं हम में से तो कोई डर ही नहीं रहा रिश्वत सूद धड़ल्ले से खाया जा रहा है यतीमों के हकूक़ खाए जा रहे हैं मीरासें खाई जा रही हैं माल दौलत दुनिया से मोहब्बतें की जा रही हैं और मोहब्बतें हर चीज़ से दुनिया की मोहब्बतों से यानी ये, ये माशरा बेहयाई के कामों में एक दूसरे से बाज़ी ले जाने की कोशिश कर रहे आप देखें ये सारी जो चीज़ें हैं माशरे ये जो चैनल हमारे चल रहे हैं फहाशी में बेहयाई में रियानी में एक दूसरे से नंबर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हुक्मरान जो हैं यानी ये हुक्मरान कौन है ये हम ही हैं हुक्मरान आप देखें गैर औरतों से जब जाते हैं तो गैर और, औरतों से हाथ मिलाते हैं और आ, उनके सामने जाते हैं उनसे बैठ के बातचीत करते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं ही है करते हैं यानी दीन का तो दीन की ये हिदायत तो नहीं है अलैहि वसल्लम तो ऐसा नहीं किया करते थे कि गैर औरतों से आप हाथ मिला रहे हैं। ये कौन है ये हम ये हम हैं सामिने कराम ये हम हैं हुक्मरान कौन हैं पुलिस कौन है ये फौजी कौन है ये जज साहिबान कौन है ये वकील साहेबान कौन है ये डॉक्टर साहबान कौन है ये सब हम हैं हम नहीं चाहते अल्लाह की बंदगी अल्लाह के सामने सर झुकाना इस पर हम तैयार नहीं हैं इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने को तैयार नहीं हैं दुनिया की मोहब्बत छोड़ने पर तैयार नहीं है अल्लाह को मकसूद बनाने पर तैयार नहीं है अल्लाह को माबूद बनाने पर तैयार नहीं है अल्लाह को महबूब वाहिद बनाने पर तैयार नहीं है हाँ इसके बावजूद हमारा ख्याल है कि हम जन्नत में जाएंगे हमारी शफातें होंगी हमारी बख्शें होंगी बहुत मुश्किल है अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया है ऐसे लोगों से बख्शिश का ऐसी लोगों की शफात का इज़्ज़त देने का शफात का शफात तो इज़्ज़त के बगैर हो ही नहीं सकती अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया है ऐसे बागी लोगों से ये गुनाहगार माशरा नहीं है ये बागी माशरा है ये अल्लाह की बगावत पर आमादा है और अल्लाह की बगावत पर ये राजी है तो बाग, बगावत और गुनाह में फ़र्क़ होता है गुनाह चीज़ें दीगरस्त लेकिन बगावत हम तो आजकल बगावत यानी ज़बान से सिर्फ नहीं कह रहे कि हम बागी हैं लेकिन हमारे आमाल हमारे माशरती रवैया जो है वो इसका ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के क़ानून की हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। मर्ज़ी का क़ानून बनाएंगे मर्ज़ी के तरीक़ों पर अमल करेंगे मर्ज़ी से कारोबार करेंगे मर्ज़ी से शादी करेंगे मर्ज़ी से बच्चे पैदा करेंगे मर्ज़ी से बच्चों की तरबियत करेंगे मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे हमें अल्लाह की हिदायत की कोई ज़रूरत नहीं है कुरान को आज के माशरे ने तर्क कर दिया है और इस बात का गिला जो है हमारे हजूर सल वम अल्लाह ताली से करेंगे वकालर रसूलो या रब इन नौम तखज़ वाजल कर्न महजूर है मेरे अल्लाह इस कौम ने तो कुरान को छोड़ दिया था अगर ये अल्फाज हमारे बारे में नहीं है तो किसके बारे में हुजूर कहें क्या हमने छोड़ नहीं दिया है कुरान शरीफ को कुरान की हिदायत को हम भुला नहीं बैठे हैं अल्लाह ताला ने तो कहा वबदुल्ला तुश्रिको बिही शया। अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो और उसके साथ किसी को भी शरीक न करो न इतात में न मोहब्बत में ला अ का हमने सामीकर मतलब जानने की कोशिश की दीन का मतलब जानने की कोशिश की इस्लाम का मतलब जानने की कोशिश की अल्लाह का अल्लाह की रजा इसके बारे में कोशिश की तो इस्लाम ये है, मुसलमान ऐसा होता है कि उसका सर झुका हुआ होता है मुसलमान मुशरक नहीं होता मुसलमान मुआहिद होता है उसका दावा है कि अल्लाम इकराम हु। थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि मैं अल्लाह की पर बात करूं। ये इसलिए भी मैंने इस पे टाइम लिया है क्योंकि ये हमारी कामयाबी का बुनियादी नुक्ता है बुनियादी गुर है शायर ने कहा है ना कि ज़ुबान से कह भी दी अला तो क्या हासिल दिल व नगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं आज हमारी दिल और नगाह जो है मुसलमान नहीं है हमारी नगाहें तो दुनिया की खूबसूरती दुनिया की लालच में गिरफ्तार हैं दिल में हमारी दुनिया की मोहब्बत है तो दो मोहब्बतें तो एक दिल में यजा हो नहीं सकती तो दुनिया दि, दिल जो है दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और आंखें जो हैं जाहिर को देख रही हैं जाहिर हम अपने जाहिरी जिसम को जाहिर को कितने संवारने की कोशिश करते हैं हम्म फिर औरतें आप देखें अपने बनाओ सिंगार पे यानी मैं गैर मुस्लिम औरतों की बात नहीं कर रहा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बनाओ सिंघार जो है वो नहीं करना चाहिए लेकिन यह है कि सारी तवज्जो इसकी तरफ है अल्लाह ताला के सामने तो हम अपने लिए अपने आप को संवार नहीं दें सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना ले कि मैं तुझे पसंद आ जाऊँ ये पोस्टर लगे होते हैं ना ताला मुझे ऐसा बना ले कि मैं तुझे पसंद आ जाऊं भाई कोशिश तो करो उस बात की कोशिश नहीं करते बस के पोस्टर लगा देते लिख के लगा देते हैं मुझे ऐसा बना दे तो अल्लाह ताला कह रहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का इनल्लायर रुम कौमिन हता यु रुम बनफ अल्लाह ताला ने साफ लिख दिया है किताब में कि अल्लाह एक कौम की हालत नहीं बदलता उस वक्त तक जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदले या उस पर उसको बदलने के लिए तैयार ना हो जाए या उसके लिए कोशिश ना करे तो सामिन कराम हमें खुद को ख़ुद बदलना होगा इसके लिए कोशिश करना होगी इसके लिए इरादा करना होगा अल्लाह को मकसूद बनाना होगा दीन इस्लाम को अपना तरीक़ा बनाना होगा ज़िंदगी का अल्लाह के सामने सर झुका देना होगा अलमय अन लज़ीन आमनु अन तकश आलूब हम लिक्र बम नज़ल मिनल क़ुरान बड़ा भरा पड़ा है ऐसी बातों से लेकिन यह है कि अल्लाह ताला फ़रमाता है कि क्या मोमिनों के लिए अलम या यजीन आमनु अन तख्श आलूब हम लिक्र बम नज़ल मिनक के इनके दिल झुक जाए अल्लाह की याद में और जो कोई जो कुछ भी अल्लाह तै नेक़

यानी अल्लाह के आज़ाब का इंतज़ार करें अल्लाह का आज़ाब आएगा तो हम उसके सामने सर झुकाएंगे ये इंतज़ार नहीं कर, करना चाहिए जब वो आजाब जब वो वक्त मोहलत पूरी हो जाती है तो फिर कुछ फ़ला फ़ला अल्लाह ताला कह रहा है कि फैजा जा जल हम फलाख़िरून सातम वला इस जब वो सात आ जाती है एहत की तो ना जर्रा भर आगे होता है ना पीछे होता है वो वक्त यानी वो तो फिर हिसाब का वक्त होता है सामि कराम ये सारी बातें हैं इस पर सोचना चाहिए अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तोफ़ी ख़ता फ़रमाएँ व आखिर उ दाबाना अनहमदल्ल रबालमीन असलम आलकमल वबरक